नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत कुमार है और आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। साइट के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए, अब हम आपको वेबसाइट पे ले जाते हैं सुजान आईटीआई के, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि सुजान आईटीआई में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा और क्यों आपके लिए सबसे बेहतर सुजान आईटीआई है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है वहाँ पे www.sujanitii.com। जब इस तरह से आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो जब सबसे फर्स्ट में जो इंटरफेस खुलेगा आपका, लिखा हुआ है यहाँ पे सुजान आईटीआई आईएसओ सर्टिफाइड आईटीआई इन गया बिहार, इसी को आपको ओपन कर लेना है। जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका। सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन आ गया, सुजान आईटीआई में नए सत्र का नामांकन प्रारंभ है ना, यानी कि 2022 में नामांकन प्रारंभ है, चल रहा है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है सुजान प्राइवेट आईटीआई अफिलिएटेड टू एनसीवीटी। सुजान आईटीआई जो है वो एनसीवीटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली से अफिलिएटेड है, और साथ में जो है वो आईएसओ से सर्टिफाइड है ना, इसका सर्टिफाइड नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो है वो सारी ऑनलाइन सुविधाएं अभी दी गई हैं, जैसे कि आपको फ़ी पे करना है तो वो भी ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं, एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको सुजान आईटीआई के वेबसाइट पे जाना है, जैसे फेसबुक पे आपको जाना है तो यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करके फेसबुक पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ट्विटर पे जा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे जाना है आपको तो यहाँ से जाके यूट्यूब पे आप जा सकते हैं। सुजान आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो ये सारी चीज़ें, एक तो सुजान आईटीआई के वेबसाइट पे सबसे पहले आपको मिल जाएंगी, उसके बाद फेसबुक पे, इसके बाद यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से आपको लेक्चर तक मिल जाती हैं, इसके बाद इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसके, कुछ इंटरफेस इस तरह से खुल रहा है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले दिख रहा है आपको होम पेज में आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, ये सारा चीज़ बहुत चीज़ दिया हुआ है इसमें। इसके बाद है अबाउट अस में जाएंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अबाउट इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जान सकते हैं। डायरेक्टर सर जो हैं सुजान आईटीआई के, श्री मनोज कुमार नवीन, उन्होंने कुछ मैसेज दिया है स्टूडेंट के लिए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टर सर का मैसेज। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट लिंकेज, क्या होता है कि हर एक आईटीआई को किसी न किसी इंडस्ट्री से लिंक करके रखना होता है ताकि अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए उस इंडस्ट्री में भेज सकें, अप्रेंटिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए। तो सुजान आईटीआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री से लिंक है, जैसे आपका आईटीसी हो गया, जेसीबी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, और बहुत सारी कंपनियों से टाई अप है जहां पे सुजान आईटीआई के बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए, अप्रेंटिस के लिए, डायरेक्ट यहां से हायर करके कंपनियां इनको लेके जाती हैं प्लेसमेंट के माध्यम से। इसके बाद है रेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, देखा होगा आपने कि हर स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, हर स्कूल इंस्टीट्यूट का उनके परफॉर्मेंस के अनुसार कुछ रेटिंग दी जाती है जो कि उसके बोर्ड के द्वारा दी जाती है। जैसे एनसीवीटी से अफिलिएटेड है तो एनसीवीटी इसको देगी रेटिंग, या डीजीटी देगी है ना, या गवर्नमेंट देगी। तो वो सुजान आईटीआई की रेटिंग है वो काफ़ी बेहतर है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जाके। फिर इसके बाद है कि अफिलिएशन एंड आईएसओ सर्टिफाइड। इसके बाद सुजान आईटीआई जो है, मैंने पहले आपको बताया कि एनसीवीटी से अफिलिएटेड है और इस ये आईएसओ से सर्टिफाइड भी है। यहाँ पे कुछ फ़ोटो गैलरी मिल जाएगी जो सुजान आईटीआई में ट्रेनिंग प्राप्त करते बच्चों का, कुछ फ़ोटो गैलरी है, कुछ फेस्टिवल का फ़ोटो गैलरी है ना, और कुछ फंक्शन का फोटो गैलरी है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फैकल्टी में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फैकल्टी में आपको यहाँ पे एक तो सबसे फर्स्ट में है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फैकल्टी ने आईटीआई। अगर आईटीआई में कोई पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उनका जो काउंसलिंग करने के बाद उनको बुलाया जाता है। अगला है फैकल्टी टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ में आपके सारे ट्रेनिंग सेक्शन के सारे स्टाफ आ जाते हैं, जिसमें आपके प्रिंसिपल सर से लेकर सारे इंस्ट्रक्टर से लेकर ट्रेनिंग ऑफिसर तक सारे आपके इसमें आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके ऑफिस में जो आपका एडमिशन लेंगी है ना, काउंसलिंग जो आपका करेंगे, वो सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आ जाते हैं। आगे बात करेंगे एडमिशन को लेकर के, तो एडमिशन में अभी देखिए ऑनलाइन एडमिशन इन आईटीआई 2022 अभी 2022 में एडमिशन ऑनलाइन चालू है, यहाँ पे यहाँ से जाके आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुजान आईटीआई में ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए
कैसे आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आपको फिल करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे रिसिप्ट जनरेट होगा और ऑनलाइन आपको रोल नंबर मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा, ये सारा चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यहाँ एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, आप में क्या क्या होना चाहिए, ये चीज़ जान सकते हैं। इसके बाद है ट्रेड ऑफ एफिलिएटेड टू एनसीबीटी, कौन कौन सी ट्रेडें हैं जो यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सुजान आईटीए में दो तरह के ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, है ना, और दोनों ट्रेड जो हैं वो एनसीबीटी से अफिलिएटेड हैं। इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन, हर कॉलेज का अपना एक रूल्स रेगुलेशन होता है और सुजान आईटीआई का भी है, और कुछ बहुत ही बेहतर रूल्स रेगुलेशन है खास करके ट्रेनिंग के लिए जो उनको एक बेहतर बनाते हैं, है ना, अनुशासन में रहना सिखाती हैं, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है फी स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि सुजान आईटीआई में कितनी फीस है, पर सेमेस्टर है, इंस्टॉलमेंट वाइज है या ईयर वाइज है, जो भी फीस है वहाँ पे आपको सारा चीज़ दिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट वाइज अगर आप पे करना चाहते हैं तो उसका भी दिया हुआ है, कितने इंस्टॉलमेंट बनाए गए हैं, सारा चीज़ डिटेल इसमें है। और अगर आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ रिलीफ भी मिल जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेनी, अभी तक जितने भी यहाँ पे ट्रेनी पास आउट हो चुके हैं या फिर हैं उनका सारा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है ओवरऑल रिजल्ट, अभी तक जितने भी ट्रेनी पास हो गए हैं उनका रिजल्ट किस तरह से बेहतर है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद है अगला है अचीवमेंट बाय ट्रेनी, ट्रेनी ने सुजान आईटीआई के जितने भी ट्रेनी हैं उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। मैं बता देना चाहूँगा कि सुजान आईटीआई के जो ट्रेनी होते हैं वो 75 से 80% को तो प्लेसमेंट यहीं से हो जाता है, इसके बाद बाकी के जो 15 से 20% जो आपके जो ट्रेनी बाकी रहते हैं उनका जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है, हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, टेक्निकल तो पढ़ाया ही जाता है साथ में नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान दिया जाता है ताकि उनका रिजल्ट जो है वो किसी भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम में जाने के बाद उनका रिजल्ट रुके ना, इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है, तो ये चीज़ है। अगला है फैसिलिटी में आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, इसके बाद कंप्यूटर लैब है, ड्राइंग हॉल है, स्पोर्ट के लिए भी यहाँ पे है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में है, बहुत सारे एक्टिविटी हैं, गेम है, इंडोर गेम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी है, अगर आप दूर से हैं अगर हॉस्टल आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे प्लेसमेंट की, तो यहाँ से आकर आप अपकमिंग प्लेसमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो प्लेसमेंट के लिए आने वाली है। इसके बाद अभी तक कितनी कंपनियाँ यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई हैं और कितनी बच्चे सुजान आईटीआई के जो हैं वो प्लेस होके गए हैं वो आप यहाँ पे प्रीवियस कैंपस प्लेसमेंट में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ से न्यू इन्फॉर्मेशन अगर कोई आती है सुजान आईटीआई की तरफ से तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सुजान आईटीआई से कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ से आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे भी दिया हुआ है मोबाइल नंबर, ये जो दिया हुआ है यहाँ से आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट पे ही आपको जो है वो हर तरह की जानकारियाँ मिल जाती हैं, फ़ोन पे सारी जानकारियाँ देना संभव नहीं हो पाता, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वेबसाइट के थ्रू सारी जानकारियाँ ले लें। अब इसमें हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हम डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर ने कुछ मैसेज दिया है तो ये मैसेज यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ कुछ साइलेंट फीचर हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आप दिख रहा होगा आपको कि प्रशिक्षित प्रशिक्षक की टीम है यहाँ पे, है ना, मतलब CITS ट्रेंड इंस्ट्रक्टर हैं सारे के सारे, सुसज्जित वर्कशॉप हैं, अच्छी वर्कशॉप हैं यहाँ पे। इसके बाद प्रतिदिन थ्योरी की क्लास चलती है, प्रतिदिन प्रैक्टिकल की क्लास चलती है, इसके बाद कंप्यूटर क्लास चलती है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो हफ्ते में एक दिन होती है, जिसको हम लोग ITI में एक सब्जेक्ट है पढ़ना ES इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें आप कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद अगला है ऑडियो विजुअल लैब, ऑडियो विजुअल लैब में अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है पढ़ने में समझने में तो उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको ऑडियो विजुअल क्लास हफ्ते में एक दिन होता है उसमें ले जाके उनको अच्छे से समझाया जाता है, दिखाया जाता है, और वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से उनकी सारी डाउट जो है वो क्लियर करवाई जाती है। अगला बात करेंगे यहाँ पे कि मनोरंजन और खेल, यहाँ पे खेल और मनोरंजन की भी सारी सुविधाएं हैं जो हफ्ता में एक दिन करवाया जाता है प्रत्येक सेक्शन वाइज, हर एक सेक्शन का अलग अलग डे डिसाइड किया हुआ रहता है, रूटीन बनाया हुआ है उसके अनुसार से। इसके बाद है अगला पॉइंट है कि कक्षा वर मूल्यांकन परीक्षा साप्ताहिक होता है, मतलब सप्ताह में एक दिन आपका हर एक सेक्शन का सप्ताह में ही टेस्ट होता है, जो भी सप्ताह में प्रैक्टिकल करवाया जाता है या थ्योरी की क्लास करवाई जाती है उन सब का असेसमेंट करने के लिए बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, जिससे उनका जो है परफॉर्मेंस में और निखार आती है। अगला पॉइंट है आपका कि संस्थागत मूल्यांकन परीक्षा
मासिक, एक साप्ताहिक होती है एक मासिक होती है, दोनों तरह की होती है और सारी रिकॉर्ड रखी जाती है उसमें। ये चेक किया जाता है बच्चा का परफॉर्मेंस जो है वो दिनों दिन कितना बेहतर हो रहा है। इसके बाद अभी लॉकडाउन की लॉकडाउन चल रहा है कोरोना काल के वजह से, आप लोग सबको पता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। सारे बच्चे जो है किसी के भी ट्रेनिंग में बाधा ना आए इस वजह से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है और सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बेहतर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे अगर सुजाना ITIC में कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है, चाहे वो कैंपस से लेकर के हो, एडमिशन से लेकर के हो, एग्जामिनेशन से लेकर के हो, या फी पेमेंट फी जमा करने से लेकर के हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि प्रत्येक माह सुजाना ITIC के प्रमुख निर्माता कंपनी मारुति, ITC, लावा, होंडा, सुजुकी, विराज इत्यादि कैंपस के लिए आ रहे हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये मेन पॉइंट है आपके लिए कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे लें और ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में ज़रूर जानेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि विज्ञान के साथ दसवीं उत्तीर्ण या समकक्ष। विज्ञान के साथ कहने का मतलब आपने जो दसवीं पास किया है उसमें साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो लगभग सभी के होते ही हैं, चाहे वो CBSE वाले हों, ICSE वाले हों या फिर BSE वाले हों यानी बिहार बोर्ड वाले हों, सबके दसवीं तक साइंस की होती है पढ़ाई, तो वो आप दसवीं उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके बाद 1 अगस्त 2020 तक आपकी आयु जो है वो 14 से 25 तक ही होनी चाहिए। अगर आपका आयु जो है वो 14 से कम है या 25 से अधिक है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं सुजान ITIC में एडमिशन लेने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 अगस्त 2020 तक आपका जो उम्र जो है वो 14 से 25 के बीच में हो। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है कि संस्थान में नामांकन के समय लिखित टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा। यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले एक टेस्ट दिया जाता है जिसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि इतने मार्क्स लाने के बाद आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा, तो उतना आपको लाना है। जैसे 30% मिनिमम होता है उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है और 30% ले आना है और इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑनलाइन जो अब एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पे भी टेस्ट की सुविधा है, उसमें भी आपका टेस्ट मॉड्यूल जनरेट होता है और वहाँ पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अगला जो है आपका कि सत्र 2020-22 में नामांकन 5 अगस्त से प्रारंभ, 11 सितंबर को समाप्त। जैसा कि NCVT का गाइडलाइन आया है उसी के अनुसार सुजान ITIC फॉलो करते हुए उसने 5 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में एडमिशन करने का फैसला किया है। लेकिन सुजान ITIC में बेहतर संस्थान होने के कारण सुजान ITIC की जो सीटें हैं वो बहुत जल्दी ही फुल हो जाती हैं, तो इस वजह से आपको क्या करना है कि 11 सितंबर का वेट नहीं करना है। अगर आप इच्छुक हैं ITIC करने के लिए और एक बेहतर संस्थान से ITIC करने के लिए, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपना नामांकन करवा लें, क्योंकि यहाँ पर सीटें जो हैं वो काफ़ी सीमित हैं और बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। अगला जो है आपका संस्थान में निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने की जो तिथि है वो 10 सितंबर है। सुजान ITIC में कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने प्रशिक्षणार्थियों को या ट्रेनी को निःशुल्क दी जाती हैं। जैसे आपके 2 साल में जितनी भी आपको किताबें पढ़ने होंगे वो सारे किताबें आपको यहाँ से निःशुल्क मिलेगी। इसके बाद आपको 2 सेट ड्रेस मिलेगा, जो सुजान ITIC का जो यूनिफॉर्म है वो आपको 2 सेट यूनिफॉर्म आपको फ्री में मिलती हैं। इसके बाद संस्थान का बैग मिलता है आपको, है ना, बैग। इसके बाद जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मुफ्त में मिलती हैं आपको इनक्रेज करने के लिए, वो आपको 10 सितंबर लेने का तारीख है, यानी कि आपको 10 सितंबर से पहले आपको एडमिशन ले लेना होगा। 10 सितंबर तक को आपको ये सारी आपको वितरण कर दिया जाएगा, सबको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला है कि सत्र 2020-22 का क्लास प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 14 सितंबर है। 11 सितंबर को जैसे ही डेट क्लोज होगा एडमिशन का, सुजान ITIC जो है वो 14 सितंबर से आपकी क्लासेस प्रारंभ कर देगी। अगर सरकार की गाइडलाइन आती है कॉलेज ओपन करने की तो ऑफलाइन क्लास होगी, और अगर नहीं आती है तो आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। ऑनलाइन में आपको जो भी प्रशिक्षक हैं वो आपको ऑनलाइन जो है शिक्षा देंगे, उसमें आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा कि आपको किस माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपके टेस्ट के लिए भी प्रबंध किया गया है, सुजान ITIC का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से जो है हम लोग क्लासेस भी देते हैं और उनका असेसमेंट भी करते हैं, होमवर्क भी देते हैं और उनका टेस्ट भी लेते हैं और उनका रिजल्ट भी जो है उन हम जारी करते हैं उसी के माध्यम से। तो ये चीज़ें सारी व्यवस्था है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि हम सुजान ITIC में एडमिशन जो है वो कैसे ले सकते हैं, है ना, ऑनलाइन। ऐसे सुजान ITIC में जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एडमिशन स्टार्ट है। आप संस्थान में भी आकर एडमिशन ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है अगर आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन एडमिशन लेना, तो आप क्या कर सकते हैं कि सुजान ITIC में आप ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर है।
कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। 100% प्राइवेसी के साथ, सिक्योरिटी के साथ आपका एडमिशन ऑनलाइन लिया जा रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आप सुजान ITI में ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रखनी है, वो सारी चीज़ बताएंगे हम। इसके बाद आप कैसे कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी है उसमें, ये सारा चीज़ बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए धन्यवाद बने रहने के लिए, थैंक यू।